भगवान श्री राम 14 वर्षों का वनवास काटकर वापस अयोध्या आते हैं। यहां एक प्रश्न मन में आता है कि कैकेयी ने राम के लिए 14 वर्ष का ही वनवास क्यों मांगा, 10, 12 या 15 वर्ष का क्यों नहीं मांगा? तो बता दूं कि त्रेता युग में भी रघुकुल में प्रशासनिक नियम हुआ करते थे। उनमें से एक नियम यह भी था, यदि कोई राजा अपनी गद्दी 14 वर्ष तक छोड़ देता है और वापस नहीं आता है, वह राजा बनने का अधिकार खो देगा। यही कारण है कि कैकेयी ने राम के लिए 14 वर्ष का ही वनवास मांगा। अयोध्या वापस आने पर राम सबसे पहले कैकेयी माता के पास जाते हैं, क्योंकि वो युग नायक है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, करोड़ों लोगों के आराध्य है। अगर कोई सामान्य मनुष्य होता तो क्या करता, वनवास से लौटकर कभी मिलने ना जाता, बल्कि बदला लेने का और अपमानित करने का प्रयास करता कि तेरी वजह से ही मुझे 14 साल वन में काटने पड़े, मेरी पत्नी का हरण हो गया और मुझे क्या क्या कष्ट उठाने पड़े। मगर राम तो महामानव है, सामान्य कार्य कैसे कर सकते हैं? इसलिए वो कौशल्या से पहले कैकेयी के भवन में जाते हैं, आदर सहित प्रणाम करते हैं। राम देखते हैं कि मां की आंखें सजल हैं, वो आत्मग्लानी से भरी हुई हैं, उनके मुख पर विषाद के भाव हैं। तो भगवान राम कैकेयी से कहते हैं, अय मैया तेरा दोष नहीं, अय माता तेरा दोष नहीं, अय मैया तेरा दोष नहीं, अय माता तेरा दोष नहीं, अय मैया तेरा दोष नहीं, अय माता तेरा दोष नहीं, अय मैया तेरा दोष नहीं, अय माता तेरा दोष नहीं। जो दो वर तुमने मांगे थे वो सब ईश्वर की थी माया, वन जाना विधि का लेखा था, जिस हेतु में जग में था आया, जिस हेतु में जग में था आया, जिस हेतु में जग में था आया। रावण का अहम मिटाना था, धरती से पाप घटाना था, मैं राज महल कैसे रहता, मुझको तो वन में जाना था, मुझको तो इसमें तेरा दोष नहीं, अय मैया तेरा दोष नहीं, अय मैया तेरा दोष नहीं, अय माता तेरा दोष नहीं, अय मैया तेरा दोष नहीं, अय माता तेरा दोष नहीं। तात शाप से मुक्त हुए हम सब फिर से संयुक्त हुए, हर ओर खुशहाली छाई है, देखो तो दिवाली आई है, देखो तो दिवाली आई है, देखो तो दिवाली आई है। पापी और धर्मी रोते हैं, सब अपनी आँख भिगोते हैं, सारे जग को ये सीख मिली कि भाई कैसे होते हैं, इसमें तेरा दोष नहीं, अय मैया तेरा दोष नहीं, अय मैया तेरा दोष नहीं, अय माता तेरा दोष नहीं, अय मैया तेरा दोष नहीं, अय माता तेरा दोष नहीं।
ब्रह्मा कैसे तू जीती होगी, जग के तानों के डंक लिए मेरे हित अपनी छाती पर, युग युग के लिए कलंक लिए, युग युग के लिए कलंक लिए, युग युग के लिए कलंक लिए, तेरी पीड़ा को हरने को मैं अपना धर्म निभा न सका, ऐ माता मुझे क्षमा करना, मैं बन के सहारा आ न सका, मैं बन के इसमें तेरा दोष नहीं, ऐ मैया तेरा दोष नहीं, ऐ मैया तेरा दोष नहीं, ऐ माता तेरा दोष नहीं, ऐ मैया तेरा दोष नहीं, ऐ माता तेरा दोष नहीं।